इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और क्या बोलेंगी आप रिकॉर्डिंग के हवाले से? जी हाँ, मैं बिरसा पे हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया काम करने में। मेरे सीनियर डायरेक्टर, मेरे मतलब सीनियर कैमरामैन, कैमरा आर्टिस्ट, सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मैंने अपने डायरेक्टर की बहुत सारी डांट भी खाई है और बहुत मज़ा आया। और ये सूफ़ी सॉन्ग है सिंध के कल्चर का, और ये बिरसा का सॉन्ग है, सूफ़ी सॉन्ग है। बिरसा की शायरी के ऊपर ये मतलब सॉन्ग मतलब बना हुआ है, और उसकी सूफी शायरी है इसके अंदर। बहुत मज़े का सॉन्ग है, बहुत ही अमेजिंग। और जो हमारे डायरेक्टर साहब ने इसको बनना मतलब एडिट किया, जो इसकी रिकॉर्डिंग की है, जो उसकी काम मतलब इस पर काम किया है, वो बहुत ऑसम है। मैंने पहली बार इतना अमेजिंग वर्क किया है अपनी लाइफ में। अच्छा, बिरसा के लोग आपको कैसे लगे, यहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि सिंध की हमारा कल्चर है, सकाफत है, और वो सारी इधर नज़र आती है। और बहुत मीठे लोग हैं, सिंधा माणू मिठड़ा माणू तो इसमें कोई शक नहीं है। मेरे सारे सिंधी भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कल्चर के हवाले, जिस तरह से हमारा कल्चर है, सिंध की सकाफत। तो मेहमान नवाजी तो बहुत स्पेशल मेहमान नवाजी, बहुत मज़ा आया, बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। सबसे बड़ी बात कि हमारे सिंध की सकाफत है, वो मैं इनको रिस्पेक्ट देना, तो वो तो बहुत मुझे ही मिली है। अभी मेरी टीम को क्या मिला वो ही बताएंगी। मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करना। और ये मेरे डायरेक्टर साहब हैं, सर आइएगा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे बहुत डांटते हैं मुझे। मैं इतना कहूँगा कि मेरे करियर का ये मेगा इवेंट है, एक मेगा सॉन्ग है। मैं बेसिकली ड्रामा डायरेक्टर और शॉर्ट फिल्मों का डायरेक्टर हूँ, मगर ये स्पेशली मैडम महानूर का एक अच्छा एक कदम था। वो सिंधी कल्चर पे, सिंधी सकाफत पे, सिंधी ज़बान पे बहुत काम करना चाहती है, तो ज़रा हमारा भी फर्ज बनता है एज ए सिंधी ज़बान के कि इनका साथ दें, इनके साथ कोऑपरेट करें, और ये जो काम करना चाह रही है उसमें इसकी हेल्प करें। और माशाल्लाह इन्होंने यूट्यूब का जो चैनल लॉन्च किया है कल्चर टीवी, ये चारों सुबह को लेके साथ चलेगा इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा आएगा। और मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने बड़े चैनलों पर भी काम किया, मगर मुझे लग रहा है कि मुझे इस चैनल पर ज़्यादा काम आएगा। ये बड़ी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ा काम कर रही है जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने मतलब सीनियर के साथ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे मतलब रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर हैं, और मुझे बहुत सिखाया है आज काम, और मुझे डांटा भी है दो जगह, मैंने डांट भी खाई। तो आपके डांट खाने से सबक मिलता है और आप बेटर से बेटर बनते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इनके साथ थोड़ा और काम करूंगी तो मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूं। अच्छा, मैंने सुना है कि कल्चर टीवी की जो बाकायदे ट्रांसमिशन का आगाज़ है वो फर्स्ट से शुरू हो जाएगा, इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर पहले आप बताइएगा। नहीं देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि उससे पहले लॉन्च हो जाए, मगर थ्रू प्रॉपर चैनल अगर हम काम करते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि ये यूट्यूब के चैनल इंटरनेशनल होते हैं, तो उनके हिसाब से हम अगर थोड़ी सी जल्दी ना करें तो इंशाल्लाह फर्स्ट को हमारा बाकायदा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चैनल लॉन्च होगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम देंगे। जैसे कि आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ कि वेब सीरीज भी आप लॉन्च करेंगे, सॉन्ग्स भी और प्रोग्राम भी, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैडम आनूर की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है, जो उन्होंने सेटअप बनाया है चैनल को लॉन्च करने का, उसको आगे चलाने का। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास है, वो हमारे पाइपलाइन में है, और इंशाल्लाह उन सब पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी कोशिश बेटर, मच बेटर है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं और इसमें अपने पाकिस्तान के सारे कल्चर दिखाऊं, और जो एक्चुअल पाकिस्तान की रियलिटी है मैं इसमें वो दिखाऊं। और इसके अंदर सर हमने जैसे कि शो भी रखे हैं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट्स भी है उसके अंदर, हमने वेब सीरीज़ भी रखी है, इसमें हमने मतलब लोगों के मसाइल भी डिस्कस करेंगे, इसमें हम आवाम की आवाज़ भी लेके आएंगे, जैसे कि कुछ लोग हैं जो मीडिया तक नहीं जा पाते, उनको या मौका नहीं मिल पाता या वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो हम उनकी हिम्मत बनेंगे और उनकी आवाज़ जो हुकूमत तक और जो हमारे मतलब हुकूमत के जो सरबराह हैं उन तक भी पहुंचाएंगे। हम ऑल इन वर्क काम करेंगे, हम ये नहीं करेंगे सिर्फ इंटरटेनमेंट है या साइंस जैसे कि सिर्फ एक मतलब न्यूज़ है, नहीं, हम ऑल इन वर्क करेंगे। क्या कहते हैं साईं आप? जी इसमें आप खुद और सर खैर मोहम्मद और जी भी आपकी टीम के लोग जो थे जी लोगों की हेल्प कर रहे थे, उस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं उस प्रोग्राम के हवाले से यही कहना चाहूँगी
कि हमारे ज़रूरी नहीं कि हमारी हुकूमत ही फोकस करे, बेसिकली हुकूमत से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान की आवाम बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो हमारी आवाम है ना, वो ख़ुद ही अपनी अपनों की जो हमारी आवाम की जो गरीब आवाम है उसका सहारा बन जाए। मेरा सिर्फ यही बेसिक थी दिखाने की कि हम अपने बिहाफ पे, अपने सेल्फ पे, अपने प्यारों की, अपनों की मदद कर सकते हैं और वो इस तरह कर सकते हैं। तो मैं बस अपने ऑडियंस से यही कहूँगी, अपनी पाकिस्तान की आवाम से यही कहूँगी हाथ जोड़ के कि खुदारा अपने वतनी, अपने वतनियों को थोड़ा सपोर्ट करो, अपने वतनियों का सहारा बनो। माँ बहनें बेटियाँ जो शादियों से कुंवारी बहनें बैठी हैं उनकी शादियों की मदद करो, जो बेसहारा है उनको सहारा बनो, जो बेघर हैं उनके सर पे छत डाल दो, कुछ ना करो। अभी सर्दियां हैं, आप ये देखो कितने अजियत से मासूम बच्चे गुजरेंगे, कितनी अजियत से ज़ईफ़ बूढ़े गुजरेंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी, ठंड से कांपेंगे, भूखे रहेंगे। खुदारा उनके लिए दो वक्त की रोटी और ठंड से बचने का इंतज़ाम करो। खुदारा खड़े हो जाओ अपने बिहाफ पे, अपनी सेल्फ पे, अपनों के लिए, अपने वतन के लिए, अपने वतनियों के लिए। थैंक यू। आ